फ्रेंड्स, आप लोग का फिर स्वागत है फ्रेंड्स मेरे चैनल फ्रेंड्स। यह आज का जो सब्जेक्ट है, पढ़ने वाले बच्चों यानी छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है फ्रेंड्स। आज मैथ यानी गणित से हम लेके आए हैं प्रमुख सूत्र यानी कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूले एंड रिजल्ट, वो लाभ हानि क्रय मूल विक्रय मूल। लाभ यानी कि प्रॉफिट क्या है, हानि यानी कि लॉस क्या है, विक्रय मूल क्रय मूल यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है, और विक्रय मूल सेलिंग प्राइस क्या है फ्रेंड्स। अगर इस फॉर्मूले को याद यानी कंठस्थ कर लेंगे तो इससे जुड़ी कोई भी सवाल होगा तो हल कर सकते हैं। जैसे कि अब ये लाभ, लाभ क्या है तो फ्रेंड्स, लाभ यानी प्रॉफिट क्या होता है। लाभ यानी कि एक फ्रेंड्स, लाभ वह है जो एक निर्धारित मूल्य में हम खरीदेंगे। एक विक्रेता निर्धारित मूल्य में खरीदता है और उस निर्धारित मूल्य से ज्यादा रुपये बेचता है, उसे लाभ कहा जाता है। वो निर्धारित मूल्य से जितने रुपये में ज्यादा उसे अधिक में बेचता है तो उसे लाभ कहते हैं। मान चलिए यह पेन एक दुकानदार ने 10 रुपये में खरीदा और इससे 12 रुपये में बेचा तो उसका यानी कि क्रय मूल्य तो उसे 2 रुपया का लाभ होता है। निर्धारित मूल्य 10 रुपया, 10 रुपया में दुकानदार खरीदा और 12 में बेचा तो उसे 2 रुपया का लाभ हुआ। अब है हानि, लॉस। अब हानि क्या, लॉस क्या? मान चलिए यही पेन उन्होंने 10 रुपये में खरीदा और इसे 8 रुपये में बेचा तो उसे 2 रुपये की हानि हुई, तो वह लॉस में होगा। अब क्रय मूल्य क्या है फ्रेंड्स? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य अगर इसकी निर्धारित मूल्य 10 रुपया में है, हम 10 रुपये में खरीदेंगे तो यह हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब है विक्रय मूल्य यानी सेल्स प्राइस या सेलिंग प्राइस। अब विक्रय मूल्य है क्या? मान के चले हमने 10 रुपये में खरीदा, इसे 12 में बेचा तो 10 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो गया और 12 रुपये में जो बेचे 12 रुपया हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अब इसी प्रकार फ्रेंड्स सूत्र है। अब लाभ, अगर सवाल में विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य है, लाभ हम प्रॉफिट यानी कैसे निकालेंगे? यानी कि विक्रय मूल्य है सवाल में और क्रय मूल्य है तो लाभ कैसे निकालेंगे? तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि अगर यह पेन 12 रुपया बिकी और क्रय मूल्य है 10 रुपया, तो 12 में से 10 घटे तो 2 रुपया का लाभ हुआ। यही फ्रेंड्स हमारा लाभ है। लाभ कितना हुआ? 2 रुपया। अब दूसरा सवाल हानि। अब हानि क्या है? हानि हम किस प्रकार निकालेंगे? सवाल में क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो हानि हम कैसे निकालेंगे? तो हानि के लिए क्या करेंगे? पहले लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब मान के चलिए क्रय मूल्य है इसका 10 रुपया और बिका 8 रुपया में, तो यानी निर्धारित मूल्य से कम रुपये में बिका तो 2 रुपये की हानि हुई। 2 रुपये इसे इस व्यापारी को हानि हुई। अब क्रय मूल्य क्या है? सवाल में विक्रय मूल्य है और लाभ है फ्रेंड्स। सवाल में विक्रय मूल्य है और लाभ है तो उसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो यहाँ विक्रय मूल्य माइनस लाभ इसका फॉर्मूला। अगर विक्रय मूल्य है 12 रुपया और लाभ है 2 रुपया तो यहाँ माइनस कर देंगे, यानी 12 में 2 घटा दे, ये 10 रुपया हमारा क्या हो गया? यह क्रय मूल्य हो गया। अगर यही क्रय मूल्य हानि में है तो कैसे निकालेंगे? लिखेंगे विक्रय मूल्य प्लस हानि। मान के चलिए विक्रय मूल्य है 10 रुपया और हानि है 2 रुपया, तो बराबर 12 रुपया क्या निकल गया? क्रय मूल्य 12 रुपया क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य 2 तरह निकाल सकते हैं। अगर लाभ है तो माइनस कर देंगे, हानि है तो प्लस कर देंगे विक्रय मूल्य। अब है प्रतिशत लाभ क्या है फ्रेंड्स? हाँ, लाभ तो हमने देखा कि निर्धारित मूल्य से अधिक बेचने पर लाभ होता, लेकिन ये लाभ पर कहेंगे लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट प्राइस। हानि प्रतिशत क्या है? हानि प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? हानि गुना 100 बटे इसमें भी क्रय मूल्य, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब अगला है क्रय मूल्य क्या है, यानी कि विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 प्लस P, यानी कि विक्रय मूल्य गुना 100 बटे
सौ माइनस लॉस। अब है हमारे आठवां में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत है, हानि प्रतिशत है, तो कैसे निकालेंगे? बीज गणित में लाभ हानि और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से संबंधित सवाल है तो हम इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी प्लीज लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल पर बेल बटन ऑल करना भूलिए। धन्यवाद।